एंकर व यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने अपने नए वीलॉग में शाहिद आफरीदी को तस्वीर का दूसरा रुख दिखा दिया। अपने वीलॉग में शाहिद आफरीदी पर कड़ी तनकीद करते हुए इमरान रियाज खान ने कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को दबाया गया, जेल में डाला गया, उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए, जिसको गोलियां भी मारी गईं, उस वक्त शाहिद आफरीदी का कोई रद्द अमल नजर नहीं आया। इन्होंने कहा कि इमरान खान पर इतने मुकदमे किए गए, हमले करवाए गए और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिस पर शाहिद आफरीदी कुछ न बोले, लेकिन शहबाज शरीफ की वो बहुत हिमायत करते हैं। इमरान रियाज खान ने कहा कि जब शाहिद आफरीदी ने इमरान खान की मुखालफत शुरू की, खुलकर बयानात देने शुरू किए, इमरान खान की सियासत पर तनकीद की, तो मेरी भी बर्दाश्त जवाब दे गई और इसके बाद शाहिद आफरीदी पर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया। यूट्यूबर ने कहा कि शाहिद आफरीदी ने शॉट सिलेक्शन के बारे में जो भी बात बोली के गलत वक्त पर गलत शॉट लगाए जाते हैं, उनका अपने बारे में क्या ख्याल है, वो तो अक्सर ऐसा करते हैं। एक बार सब में एक यादगार शॉट मारकर मैच जितवाया भी था, लेकिन इसी शाहिद आफरीदी ने बहुत सारे मैच हमारे मुल्क को हरवाए भी हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक गलत शॉट खेलकर। इमरान रियाज खान ने कहा कि ये जो भी उनका हीरोगिरी का एक स्टेटस है, वो उन्हें नहीं लगाना चाहिए था, ऐसी चीज़ों से इतनाब करना चाहिए था जिससे लोगों का दिल दुखे। इन्होंने कहा कि अब शाहिद आफरीदी को कभी जुल्म या जबर के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखेंगे। शाहिद आफरीदी किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करे जहाँ लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो, वो जब भी बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, पीएमएलएन के हक में बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ ही बोलेंगे।